कबड्डी कबड्डी कबड्डी, जी हाँ आप समझ तो गए होंगे कि दरअसल प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन अब बहुत जल्द आपके सामने होगा। ब्लॉकबस्टर प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन की शुरुआत 2 दिसंबर 2023 से होने जा रही है। 10वें सीजन का इंतजार कबड्डी प्रेमी काफी दिनों से कर रहे थे। प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन का शेड्यूल भी अब जारी कर दिया गया है। प्रो कबड्डी लीग का पहला मैच गुजरात जायंट्स और तेलुगु टाइटन्स के बीच खेला जाएगा। लगभग 3 महीने तक चलने वाले इस लीग का समापन जो है वो 21 फरवरी 2024 को होगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे बंगाल वॉरियर्स टीम के बारे में और एनालाइज करेंगे कि आखिर ये टीम इस आगामी सीजन से पहले कितनी है तैयार। दरअसल पूर्व चैंपियन बंगाल वॉरियर्स ने आगामी सीजन के लिए रेडर मनिंदर सिंह को अपना कप्तान नियुक्त किया है। मनिंदर सिंह 2017 सीजन से बंगाल वॉरियर्स टीम का हिस्सा रहे हैं। वहीं उनके साथ होंगे अनुभवी श्रीकांत यादव। इस बार सीजन में नितिन कुमार से भी बहुत ज्यादा जो है टीम को उम्मीद रहने वाली है। प्रदीप नरवाल की अकेडमी से निकले नितिन कुमार इस बार सीजन में एक्स फैक्टर जो है साबित हो सकते हैं, जो कि अपनी टीम को टॉप पोजीशन पर लेकर जाएंगे। बात करें टीम के डिफेंस की तो एक बार फिर टीम ने शुभम शिंदे और वैभव गर्जने पर भरोसा जता दिया है। साथ ही लेफ्ट कॉर्नर की पावर को और मजबूत करने के लिए अनुभवी और टीम के ऑलराउंडर नितिन मौजूद रहेंगे। बात करें बंगाल टाइम की प्रोबेबल 7 की तो सेंटर में नितिन कुमार, लेफ्ट कवर में अक्षय बॉयर, लेफ्ट इन में श्रीकांत यादव और लेफ्ट कॉर्नर में नितिन रावल नजर आएंगे। वहीं बात करें राइट कॉर्नर की तो यहां वैभव गजरे, राइट इन में मनिंदर सिंह और राइट कॉर्नर पोजीशन पे शुभम शिंदे नजर आएंगे। वहीं मनिंदर और नितिन की जोड़ी इस टीम को टूर्नामेंट में डेंजरस बना सकती है। टूर्नामेंट से पहले हुए प्री सीजन कैंप में भी खिलाड़ी इस सीजन को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए हैं। मनिंदर सिंह की अगुवाई में टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी, जहां उनका मंत्रा जो है वो सिंपल है, स्टे फोकस और फिटनेस पर खासा ध्यान। साथ ही टीम के कोच के भास्करन जो है वो टीम की अगुवाई में टूर्नामेंट से पहले मैट पर जमकर खिलाड़ियों से पसीना बहा रहे हैं। साथ ही हर एक खिलाड़ी की स्पेशल स्किल पर भी बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है और यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग पर ही नहीं बल्कि टीम बॉन्डिंग पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि मैट पर उस प्रदर्शन को बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया जाए, क्योंकि नए सीजन की शुरुआत 2 दिसंबर से होने जा रही है और बंगाल वॉरियर्स अपना पहला मैच 4 दिसंबर को बेंगलुरु बुल्स के साथ खेलने उतरेगी। जहां आपको बता दें कि इससे पहले सीजन 7 में पहली बार बंगाल वॉरियर्स ने प्रो कबड्डी लीग का खिताब जो है अपने नाम कर लिया था, जहां टीम ने दबंग दिल्ली को 39-34 की स्कोर लाइन के साथ हरा करके खिताब जीता था। इसी उम्मीद के साथ इस बार भी टीम पूरे जोरों शोरों के साथ इस सीजन में उतरेगी और यही उम्मीद लगाएगी कि सीजन 7 जैसा परफॉर्मेंस या उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस जो है इस वाले सीजन में देखने को मिले और खिताब अपने नाम किया जाए। उम्मीद करते हैं पीकेएल 10वें सीजन का इंतजार आप भी कर रहे होंगे और आपकी इस टीम को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं ये भी हमें बताइएगा। और साथ ही आप तैयार रहिए क्योंकि नया सीजन अब बहुत करीब है। 2 तारीख को आपको पहला मैच देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कॉमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।